टॉपिक था अपना एच सी एफ एल्सियम, और एच सी एफ एल्सियम के कंटिन्यूशन में ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हेडिंग रहेगी आपकी एच सी एफ एल्सियम, ओके। भारती की जो क्लास छूटी थी उसमें उसके पहले तक के वीडियोस मैंने भारती के लिए यूट्यूब में अपलोड कर दिया था, ठीक है। मैं कभी कभी पर्सनल मैसेज नहीं भेज पाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपलोड करूंगा उससे आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इंतजार नहीं करते रहना पड़ेगा, बार बार चैनल ओपन कर करके देखना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब आपको खुद ब खुद नोटिफाई कर देगा, ठीक है। तो फैसिलिटी है, बस यूज कीजिए उसका, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। न मानो सब्सक्राइब करने का, नहीं करना कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एच सी एफ एल सी एफ के एपिसोड 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नहीं अमन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आई डोंट इवन इंटरेस्टेड ऑन दिस। मैं यूट्यूब को सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं दे सकूँ, और ऐसा लगता है यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। और बाकी ठीक है, सब कुछ, कोई ऐसा लोड नहीं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। चलो अमन बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, और उसमें कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि थ्री की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/12। चलो एक बार आप सोचो, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखो एक बार इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। हालांकि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ, इसमें ध्यान से देखो। जरा ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, क्या क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/3 पावर वाला ले रहा हूँ अभी, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, ठीक है। ये जो नंबर लिखा है ना, मैं इन सभी जो फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है, इन सभी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इन सभी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में। ये सारे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मैं सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अपन 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 1, एग्री करते हैं मैं सर, ठीक है। और ये तो सब कुछ पावर था ना, ये सब कुछ पावर था ना, इनका बेस कैसा था, इनका बेस था 2, 3, 4, 6, 7, ऐसा था, करते हैं। तो अब जब मैं 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा 64, 3 की पावर 4 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 81,
64, 36, 36। अब आपको बताना है कि इनमें से आपको सबसे बड़ा कौन सा लगता है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा लगता है? 81। और वो एक्चुअली था क्या? एक्चुअली कुछ और नहीं था, वो था 2, 3, 4, 5, 6 और उसका 12। तो उसने 3 की पावर में 1/2। ये वाला क्वेश्चन ना IIFC में आया हुआ क्वेश्चन। IIFC दरअसल MBA एंट्रेंस का एग्जाम होता है, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, अगला वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1320 एंड देयर HCF इज 6। फाइंड द LCM। चलो जरा कोशिश करो। बन जाएगा, एक बार सोचोगे तो। भारती जी कह रहे 220। और कोई बच्चा कोई देना चाहते हैं? भारती जी शाबाश। बढ़िया सवाल था। एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इनटू, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है 1320, HCF में गिवन है 6 और LCM में सब पूछ रहा है। LCM की वैल्यू आएगी 1320 डिवाइड बाय 6 मतलब कि देखो कष्ट हुआ किसी बच्चे का। यही सेम फंडा लगाना है इसमें, फटाक से लगाइए आराम से निकालिए। शाबाश। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर। आप ना इस वाले वर्ड को जानते हैं, को प्राइम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर आपस में को प्राइम होंगे जब उनका HCF क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो अब यही वाला फंडा लगाऊंगा इसमें, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में वो गिवन है 117, HCF को पता है 1 होगा क्योंकि वो को प्राइम है, तो LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा फिर से 117। तो बहुत ही बेसिक वाले मैंने दो क्वेश्चन दिए ताकि आपको एक बार कंसेप्ट का आइडिया लग जाए। अब एक थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल है।
हाँ नीरज साहब, एक मिनट में शो करते हैं, बस एक क्वेश्चन लिख दूँ नीरज साहब। सॉल्व करो सॉल्व क्वेश्चन में एक बार। चलो धीरे सा हो जाए, धीरे सा डॉट मार दीजिएगा ना। ठीक है, तो एक बार कोशिश करें अगला क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है बच्चे लोग का? चलो मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार
तो मैं, चलो तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने ना इसमें कोई एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बोलने लायक है ही नहीं। आप सिर्फ देख लो इसको एक बार, आपको बात समझ में आ जाएगी। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है। देख लो फिर भी एक बार, कोई लाइन में डाउट है तो मेरे से पूछ लो। कंफर्टेबल है तो चलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। एक बार कोशिश करोगे क्या कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊं? देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, चलो एक बार मैं करके बताता हूँ। चलो सुनना, आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना फाइंड लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 1920640 1320 एग्जैक्टली। तो आपको वो बताना है इसमें कि ना ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 1320640 और 1320 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ कि चलो वो नंबर एक्स होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा होना चाहिए कि वो जो एक्स है ना वो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। गॉट इट? अगर बात को समझो, एक्स है ना तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कौन करेगा? ऐसे एक बात कह रहा हूँ मैं, अगर मान लिया एक्स यहाँ पर 10 होता, ऐसे बस आप सोचो कि अगर एक्स नहीं होता 10 होता फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स नहीं होता 10 होता। अगर 10 होता तो ये बात मानते हैं जो 10 है वो इन तीनों को बहुत आराम से काट देता, ये इसको और ये इसको। एग्री? तो 10 वो नंबर हो सकता है जो 1920640 और 1320 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 10 वो नंबर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा। आगे बात पकड़, तो तुम ये बात मानते हो ये जो 10 है ये इन तीनों को इसीलिए काट पा रहा है क्योंकि 10 जो है इन तीनों में कॉमन है। आपको बात आई समझ? 10 इन तीनों में इसीलिए एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है कि 10 इन तीनों में कॉमन है। 10 इज कॉमन। एग्री करते हैं अपन लोग? तो दरअसल वो आपसे ना वो कॉमन नंबर ही पूछ रहा है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई ना, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वो आपसे कॉमन नंबर ही पूछ रहा है। ठीक है समझ? और ये जो कॉमन होता है ये कुछ और नहीं होता है, ये जो कॉमन होता है ये कुछ और नहीं होता है, ये हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर मेरे को लार्जेस्ट कॉमन नंबर चाहिए, अगर मेरे को लार्जेस्ट कॉमन नंबर चाहिए तो वो कुछ और नहीं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है समझ? तो मतलब मैं आपसे क्या कहने की कोशिश करूँ, आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ कर आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम पूछा है। आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ये डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम पूछा है। तो जब मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी तो मैंने महसूस किया कि दरअसल वही नंबर इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है जो इन तीनों में कॉमन होगा। पॉइंट आया समझ में? इन तीनों में कॉमन होगा, और क्योंकि वो लार्जेस्ट पूछ रहे तो लार्जेस्ट कॉमन नंबर कुछ और नहीं होता, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लार्जेस्ट में हाईएस्ट एक दूसरे से उन्होंने में है ना, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और नहीं है, वो क्या है? एचसीएफ है। तो मैंने ऐसे लैंग्वेज पढ़कर ये वाली बात को डिसाइड किया कि मेरे को इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकाल कर देना है। तो ना अब आने वाली क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना एचसीएफ एलसीएम के, उसमें नहीं लिखा रहेगा कि एचसीएफ निकाल के दो कि एलसीएम निकाल के दो। आपका ना पहला टास्क यही रहेगा कि आपको ये डिसाइड करना होगा क्वेश्चन देखकर कि उसने एचसीएफ पूछा है कि आपसे एलसीएम पूछा है। आई बात समझ में?
ये आपको खुद से डिसाइड करना रहेगा, कोई नहीं बताएगा आपको, आपको खुद से डिसाइड करना है। आइडिया आ गया समझ में? तो उसने उससे दरअसल क्या पूछा, एचएससीएफ पूछा, ये मैंने खुद से डिसाइड कर लिया। आगे बात पकड़ में, मतलब ये कि मेरे को इस क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन चाहिए तो 1920, 640 और 1320 का मेरे को एचएससीएफ निकाल के देना होगा। अब एचएससीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा बात को समझो। एचएससीएफ निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, अब पिछले वाले वीडियो में एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड सिखाया था जो कि एकदम सही है, लेकिन कभी कभी ना जो नंबर है तो होते हैं ना, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाले लेते हैं, मतलब आढ़े टेढ़े ले लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका तो मैं हालांकि निकाल लूंगा, कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो उनके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, विदाउट फैक्टराइजेशन वाला भी एक मेथड मुझसे भी सीखेंगे। तो मैं एचएससीएफ निकालने के लिए ना आपको एक न्यू मेथड देने वाला, एचएससीएफ निकालने के लिए मैं आपको एक न्यू मेथड देने वाला हूँ, और मैं न्यू मेथड जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये वाला मेथड भी सीखना है। पुराना तो आपको आना ही चाहिए, नया भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर नंबर आड़े टेढ़े तो फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है क्या करें, बहुत लंबे लंबे जाते हैं, तो उसके लिए आपको न्यू मेथड आना चाहिए, मैं सीख लीजिए। ठीक है, किस चीज का न्यू मेथड है सर? एचएससीएफ निकालने का ये न्यू मेथड है। ठीक है, अब देखो क्या करना कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1320, उसको डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे सर? उसके जस्ट छोटे से, मैंने नहीं कहा कि सबसे छोटा, मैंने कहा जस्ट छोटा। तो 1920 का बिल्कुल छोटा नंबर होगा 1320, गॉट इट? 640 तो सबसे छोटा हो जाएगा ना, तो मैं बाद में यूज करेंगे, तो 1320 से इसमें उसको डिवाइड करने वाला। तो ऐसे मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करते समय जबरदस्ती नहीं करना है, जितने से जा रहा है उतने से ही भेजो, जितना कट रहा है उतना ही काटो। ठीक है, नहीं तो लगे हैं एकदम आरी कटारी लेकर, आज तो देखता हूँ कैसे नहीं कटता ये, वैसे तो भावुक नहीं होना। ओके, तो ये हो गया 1320, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो आ जाएगा 600। अब ये जो 600 है इसको फिर से डिवाइड करूंगा इस 1320 से, मेथड सीख लेना जरा इसके नाम से, आ रही बात समझ में? तो ये 600 को फिर से 1320 2 2 टाइम्स जाएगा 1200 और आ जाएगा 120। इस 120 और 600 से डिवाइड करूंगा, सीख लो जरा कैसे कर रहा हूँ। तो 5 बारे में जाएगा और आ जाएगा 600, तो ये हो जाएगा क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब ये जो मेरे को 120 मिला, ये जो मेरे को 120 मिला, इसका डिवाइड करूंगा ये जो बच गया था उसमें। ठीक है, तो अब जो है 120 डिवाइड होगा 640 से। आगे बात समझ में? जैसे इसको 640 डिवाइड करूंगा, 5 बारे में जाएगा, वो आ जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा 40। अब ये 40 से 120 से डिवाइड होगा, तो जाएगा 3 बारी में, यह जाएगा 120, अब जाएगा क्रॉस। तो ये जो फाइनली जो मेरे को 40 मिलता है, फाइनली वो 40 मिलता है, ये होता है एचसीएफ, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कंफर्टेबल है सारे बच्चे? आगे बढ़ सकते हो? डॉट मार दिया करो यार, एक तो डॉट मार दिया करो, डॉट मारने से समझ में आता है कि हाँ आप मेरे साथ बने हुए हो। सर बाकी लोगों ने तो डॉट मारा ना, मैं क्या मार के करूँ? अरे तो बाकी लोगों ने अपने लिए डॉट मारा ना, कि उनको कोई डाउट नहीं है, तुम्हारे लिए थोड़ी मारा कि अच्छा सौरभ को कोई डाउट नहीं है तो प्रतीक डॉट मार देता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मतलब दोनों ही डिवाइड, अमन जीरो रिमाइंडर आते तक करना है, दूसरे में भी तुमने नोटिस किया था कि रिमाइंडर जीरो था।
चलो इसे सॉल्व करो। तो अब मुझसे सॉल्यूशन मत एक्सपेक्ट करना, खुद से सॉल्व करना जरा, एक आध क्वेश्चन का आंसर खुद से भी निकालो। सौरभ का आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे आंसर लगे भाई। और कोई बच्चे को आंसर आ रहा है? ये तो यार बन जाना चेयर वाला क्वेश्चन, एकदम डुएबल क्वेश्चन है वाला। सही से कर लो राकेश, सौरभ और अमन का सही जवाब है, शाबाश अमन, गुड। लाओ भाई भारती जी आंसर लाओ, मैं नहीं बता रहा हूँ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन बनना चाहिए भाई। सवाल लेकर एकदम सो जाते हैं हम लोग कि चलो अब सवाल मिल गया अब सो लेते हैं। प्रतीक जी बहुत बढ़िया, सब सवाल मुझसे ही बनवा लेना, न बनाना एक सवाल खुद भी कभी। ये मीटर लिखा है इसको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो पहले, ये सारा का सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब डिवाइड करो तो 700 1295 ये जाएगा, वन बारी में पूछेगा 700 आ जाएगा 595, फिर 700 को से डिवाइड कर दे जाएगा, वन बारी में फिर आएगा 595, 595 को से माइनस करूंगा तो बचेगा 105, 105 को 595 से डिवाइड करो तो ये जो है 595 जाएगा 105 से, 5 बारी में चला जाएगा 525, फिर बचेगा मेरे पास 70, 70 जाएगा 105 से तो आएगा 1 बारी में तो आएगा 35, 35 जाएगा इस 70 से 2 बारी में तो ये पूरा हो जाएगा खलास, ये 35 को डिवाइड करूंगा 385 से, 11 बारी में जाएगा, दिख रहा है एकदम साफ साफ, आंख बंद करके देख रहा हूँ फिर भी दिख जा रहा है, क्या ही करूँ। HCF आ गया 135 और वही क्वेश्चन का आंसर है, और ये 35 की जो डायमेंशन आएगी ना वो सेंटीमीटर आएगी, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर था, बनाते नहीं सवाल लेके बैठे रहते तो 1.5 1.5 घंटे तक। अभी अगर आंसर नहीं दिया ना बहुत डांटेंगे, जान लेना।
496 403 713। चलिए आंसर लगेगा, सॉल्यूशन मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। आई वॉन्ट आंसर। अमन बढ़िया। राकेश भारती बढ़िया, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। धीरज शाबाश, इसका आंसर है 31 लीटर। ठीक है, वीडियो क्लोज होने वाला, आप उनसे रिज्वाइन करेंगे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए। ओके, मिलते हैं अगले।